अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप दोस्तों को ईद मुबारक। आज है ईद अज़हा और 6 बजे हमारी मस्जिद में जमात थी। ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब बुजुर्गों को खाना डालना है। ईद बैल वगैरह दबा हो जाएंगे, सारा कुछ दबा होगा, बुजुर्गों को खाना डालते हैं। ये मेरे मुर्गे फिर रहे हैं, इनको बाजरा डाल देता हूँ मैं, हाथ में ही उठाया है। दोस्तों मैं रात को घर आ गया था रावलपिंडी, और जो हमारा बैल है वो इस्लामाबाद में दबा होगा। मैं इधर आ गया था, आप लोगों को बैल नहीं दिखा सका। चलो इधर जो गली मोहल्ले के बैल हैं वो आप लोगों को मैं दिखा लूँगा। जो जो इधर दबा होंगे मैं आप दिखा लूँगा, जाऊँगा फिर तोड़ के आऊँगा, दिखा दूँगा आप लोगों को। अब यही हो सकता है घर से ही है, फिर हमारा बैल इस्लामाबाद में और मैं इधर आ गया हूँ। अब बैठते थे आराम करते, गर्मी बहुत तेज है, शाम का फिर आप पहला जो कि नजर आ गई। दोस्तों ईद के दिन आ गए हैं, कबाब वगैरह बने हैं। आज ईद का पहला दिन है, उस कबाब हम खाएंगे, बाकी जो कुछ खाया फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि लिखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, फूड लवर में मेरे फेवरेट कबाब हैं, पायस आए हैं, सब कुछ है, गोश्त में आ जाता है। और मेरे पायस का नाश्ता भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, अभी उतरेंगे फिर हम खाएंगे, और जिस जिसने खाने हैं आज है।
दोस्तों ये कबाब बन चुके हैं, अब कबाब खा रहे हैं। सुबह बोला था अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे खाने में कबाब है, कबाब बने हैं। ईद का पहला दिन है और ईद के बाकी दिन जो जो कुछ बनाया आपके साथ शेयर करेंगे। मजे के दोस्तों ये कबाब आधा रह गया, आधा खा लिया। साफ ये सब टाइट है हाथ में के लिए। दोस्तों कबाब वगैरह खा चुके हैं, बहुत ही मजे के थे। आज था ईद का पहला दिन, पता नहीं लगा गुजर भी गया। और आपको बैल का शौक है तो बैल भाग जाते हैं, आप देखेंगे मेरे चैनल पे पूरी एंड तक वीडियो देखना। और जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरे चैनल पर मिल सके और भरपूर सपोर्ट करें, ताकि मैं नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।